बस बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका firstbite.tv में। कोरोना का मुंह सुरसा की तरह खुलता ही जा रहा है। देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 8,356 जबकि मरने वालों की संख्या 273 हो गई है। मेरठ में भी जिन तीन जमातियों को भेजने के बाद इलाके को सील करते वक्त पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया था, उनका भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। इस बीच आज पुलिस लाइन में सांसद ने सैनिटाइजर मशीन का फीता काट कर शुभारम्भ किया। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन आरंभ की जा चुकी है। जिलाधिकारी ने दावा किया कि रोजाना खाने के 35 से 40 हजार पैकेट गरीबों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आइए पहले देखते हैं कोरोना अपडेट के बारे में क्या बता रहे हैं CMO डॉक्टर राजकुमार। कोरोना में परसों शाम को हमारे 4 पेशेंट आए थे पॉजिटिव, 3 की कंफर्मेशन के लिए कल सुबह लगे हैं, तो कल जो दोपहर में रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 3 और पॉजिटिव आए हैं। तीनों दरी वाली मस्जिद के हैं, गली कोटी के, और उनको हमने L1 फैसिलिटी पे कल ही एडमिट करा दिया। दरी वाली मस्जिद के टोटल 10 पॉजिटिव आए थे और 4 का जो है निगेटिव आया था, तो जो 4 निगेटिव आए थे वो क्वारंटाइन में कर दिए गए हैं और जो 6 मरीज हैं वो हमने L1 फैसिलिटी पे बाहर निकल गए। सैनिटाइजेशन जलीकोटी में नगर निगम से होगा, पुलिस की कस्टडी में होगा। जो आपको बताई है कल वहाँ बवाल हो गया था, अब स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम उसमें आज करेगा। इस दौरान सैनिटाइजर मशीन के उद्घाटन मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी पत्रकारों से बात की। आइए देखते हैं कि इसका जो कोरोना वायरस का जो इलाज है वो यही है कि सैनिटाइजेशन रहे और डिस्टेंस रहे। डिस्टेंस भी इसीलिए कि जिससे कि कोरोना का जो वायरस है वो कहीं पर भी आगे जा करके अपनी जगह ना बनाए, और इसलिए सैनिटाइजेशन का सारा इंतजाम है। हाथ धोने का आग्रह करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करने का आग्रह करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी कुछ ऐसी एक यानी उनकी जिम्मेदारी है ये कि उनको कुछ काम निपटाने होते हैं, तो उनकी सेवाओं के बिना ये सारा का सारा काम संभव ही नहीं है। तो यहाँ आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ये सैनिटाइजेशन का ये केबिन एक प्रकार से लगा है। आपने देखा भी कि एक उसके ऊपर पायदान पर चढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली सेंसर के द्वारा वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद वो आप उसके अंदर गुजरते हैं तो जो भी 3-4 सेकंड 4-5 सेकंड लगते हैं उसमें, तो उसके अंदर वो फवारा पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर देता है। ऑफकोर्स उसमें आँखों को नीचे करके या बंद करके निकलना चाहिए, और जब आप दूसरे पेडिस्टल पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सर, छावनी में लग चुका है, सदर में लग चुका है, हाँ, यहाँ लगा है, और कहाँ कहाँ प्लान है सर? और अभी है, मेडिकल कॉलेज के अंदर प्लान है। हमारे CMO साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जिलाधिकारी तो खैर हैं ही, CDO महोदय हैं, तो इसी प्रकार के जहाँ पर बहुत अधिक आना जाना इस प्रकार का है वहाँ धीरे धीरे थानों के अंदर या ऐसे स्थानों पर लगाने की योजना है। जिलों में, ब्लॉक्स में, मैंने जैसा कहा कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का आवागमन जो है वहाँ लगेगा, और इसमें बहुत ही माइल्ड जो सैनिटाइजर उसका इस्तेमाल किया गया है, माइल्ड इस सेंस में कि वो सैनिटाइज तो करता है परंतु बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाता। सोडियम हाइपोक्लोराइड तो उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, और मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा फाइल्स हैं, व्यक्ति है, वो सब सैनिटाइज होकर के जाएंगे तो खतरा उसका कम रहेगा। यहाँ मौजूद जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन इस उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है कि लॉकडाउन के चलते कोई भी गरीब व असहाय भूखा न सोए। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं जिलाधिकारी अनिल ढींगरा। देखिए, हमारे जनपद में जो है सभी ब्लॉक पे, तहसील पे और हेडक्वार्टर पे कम्युनिटी किचन की शुरुआत हो चुकी है, और हमारे यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी इसकी जो है देखरेख में नॉडल बनाए गए हैं। लगभग दोनों टाइम पे हम लोग जो है 35 से 40 हज़ार जो है फूड पैकेट वितरित करते हैं। हमारी हेल्पलाइन जारी है, किसी को भी कोई खाने की आवश्यकता हो, कुक्ड है अनकुक्ड है, वहाँ पे फ़ोन करता है हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, हमारे SGM ACM जो है विद इन 1 आवर जो है उसको खाना पहुँचा देते हैं। लगभग 35 से 40 हज़ार पैकेट जो है हम लोग प्रतिदिन वितरित कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ स्वयं सेवा समूह भी हैं, वो भी हमें इसकी मदद करते हैं, और लगभग 18 हमारी सरकारी किचन है और टोटल मिला के हमारी 35 हैं, 17 हमारे जो है स्वयं सर।
देखिए हमारा मेन्यू भी हम चेंज करते हैं, किसी दिन आलू पूड़ी का रहता है, कभी कढ़ी चावल का रहता है, कभी जो है दाल चावल का रहता है। तो हम इतना करते हैं कि एटलीस्ट एक आदमी को जब हम खाना पहुंचा रहे हैं एक टाइम का, तो वो उसका पेट भर जाए और दोबारा शाम को फिर हम पहुंचाते हैं। इस खबर में आज इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।